प्यार, प्यार कम से कम एक बार तो सबने किया है, और पहला प्यार तो कोई जिंदगी भर नहीं भुला सकता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर आपका पहला प्यार, आपका पहला एक्सपीरियंस प्रोफेशनल टर्म्स और कंडीशंस के साथ आए? अच्छा, लेट मी बी फ्रैंक, व्हाट इफ आपका पहला प्यार आपके ही ऑफिस में आप ही का बॉस हो? एना का कॉन्फिडेंस और उसकी पर्सनालिटी मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ऑफिस रोमांस बहुत डेंजरस होता है, स्पेशली बॉस के साथ। ये वही लड़की थी जिसके साथ शादी होगी। काफी डेंजरस ग्राउंड्स पे खेल रहे थे आप। एना, तुम समझ नहीं। मैम, एना, मैम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छूने की? ये क्या हो रहा है ये सब? ये प्रॉब्लम है तुम जैसे छोटे शहरों के लोगों की। औकात क्या है तुम्हारी? मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एना क्या है। बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। मैं एना को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकता। इनको थैंक यू बोलने के लिए मेरे पास वर्ड्स कम है, तो मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। यू आर फायर्ड। मैं हूँ प्रवेश राणा और आप देख रहे हैं NV1000 प्रेजेंट्स बिंदास इमोशनल अत्याचार। देखो, सीखो और बचो। ये कहानी है अग्रिम की, जिसमें हमने कुछ नाम और लोकेशन बदल दिए और कुछ एक्टर्स रिक्रिएट करेंगे अग्रिम की का, जिनका पहला प्यार उन्हें काफी महंगा पड़ा, और उन्हीं के कहने पर हम आज के एपिसोड में उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे। सो लेट्स वेलकम अग्रिम, प्लीज कम। वेलकम टू इमोशनल अत्याचार। थैंक यू। हैव अ सीट। अग्रिम, आपने अपना चेहरा दिखाने से क्यों मना कर दिया? सर, अगले हफ्ते मेरी शादी है और मैं अपनी फियांसे को बिना बताए इस शो पर आया हूँ, तो इट्स बेस्ट कि मैं अपनी आइडेंटिटी हिडन ही रखूँ। ऑलराइट। आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किस नाम से बुलाना चाहेंगे? सर, आप उन्हें एना बुला सकते हैं। एना एक क्रिएटिव डायरेक्टर थी और वो एक एड एजेंसी के लिए काम करती थी। एना से आपकी मुलाकात कैसे हुई? सर, एक टाइम मुझ पर एक्टिंग का बड़ा भूत सवार था, तो मैं उसी चक्कर में देहरादून से मुंबई आ गया। There is a good news for you. आप सिलेक्ट हो चुके हैं। उसका नाम सोनम था और उसने मुझे अगले दिन लोकेशन पर बुलाया अपनी बॉस से मिलने, यानी एना से मिलने। अगले दिन सुबह सुबह मैं लोकेशन पे पहुंचा एना से मिलने। एना, क्यों? तुम्हारी में कुछ बात तो है, इसलिए तुमको अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती हूँ। आई मीन, यू कैन वर्क इन माय कंपनी और साथ ही साथ मेरे एड्स में काम भी कर सकते हो। गया तो था मैं एक्टिंग के लिए कि शायद मुझे किसी एड में एक्ट करने के लिए बोलेगी, लेकिन उसने मुझे ऑफिस में ही एम्प्लॉय रख लिया। सही है, दोनों चीजें होंगी। हाँ, तो मैं डायरेक्शन का एक्सपीरियंस भी और एक्टिंग भी। जी सर। और अगले ही दिन मैं काम पे लग गया। एना का कॉन्फिडेंस और उसकी पर्सनालिटी मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। मैं दिन भर उसको देखता रहता था, जब वो काम करती थी, जब वो चलती थी, जब वो बात करती थी, हर समय मेरी आंखें उस पर ही रहती थी। और मैंने ये भी नोटिस किया कि आते जाते वो मुझको भी देखा करती थी, तो एक केमिस्ट्री बिल्डअप हो रही थी धीरे धीरे। एंड उस केमिस्ट्री को मैं क्या नाम देता, ये मुझे समझ में नहीं आया। सर, मुझे एक बात ऑनेस्टली बताना, आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस से अट्रैक्ट हुए थे या उसकी पर्सनालिटी से? सर, पहले देखा तो अपीयरेंस था, पर जब मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया तब आई अंडरस्टूड ये कुछ अलग ही था। पहले पहले मुझे लगा, यू नो, बॉस भी है, उम्र में बड़ी भी है, अगर सेम एज की होती तो जरूर उसे प्रपोज कर देता, लेकिन उम्र और स्टेटस दोनों में ही मैं उससे छोटा था। फिर क्या हुआ? एक रात मैं, एना और सोनम ही थे खाली ऑफिस में। अच्छा अग्रिम, मैं तुम्हें कुछ पेपर्स दे रही हूँ। Yes. प्लीज उसकी ना PPT फाइल बना के रेडी रखना, कल प्रेजेंटेशन है। एंड यू नो एना, आई एम राइट, सो प्लीज 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 करके रखना। ओके, यू श्योर यू कैन डू इट? डेफिनेटली। थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड सी यू टुमारो। बाय।
मैंने कहा ठीक है यार, मैं कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैं यहीं पर हूँ पूरी रात, और मैं बड़ी सीरियसली अपना काम करने लगा। इतना सारा काम, why? कल सुबह में असाइनमेंट कंप्लीट करना है, सो असाइनमेंट, ओ माय गॉड। वेल असाइनमेंट को छोड़ो, वो प्रेजेंटेशन तो होती रहेगी। नहीं बट वो कल सुबह तक तैयार कर देनी है। कम ऑन। एना का ऐसा बर्ताव देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। सबसे पहले तो ऑफिस आवर्स के बाद तुम मुझे एना मैम नहीं, सिर्फ एना बोलोगे। क्या बोलोगे? एना। राइट। उसने कहा तुम्हारी एज कितनी है? I said, ma'am, I'm 21. 21? Not bad at all. कहती अच्छा चलो ठीक है, दारू वारू पीते हो? तो I said, हाँ कभी कभी पी लेता हूँ। आज पियोगे? Will you have a drink with me? मतलब प्रॉब्लम नहीं है बट प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है सो। ओह फॉरगेट अबाउट द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन तो कल देनी है। बट यू हैव टू लिव इन योर प्रेजेंट, आज में जियो, राइट? ट्रू। मतलब काफी डेंजरस ग्राउंड्स पे खेल रहे थे आप। ये तो वैसा ही था जैसे यू नो कोई आग से खेल रहा हो, बॉस के चक्कर में पड़े हुए थे। क्या कहूं सर, सब कुछ इतना अचानक हो रहा था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। अंदर गया तो सर शॉट ग्लासेस वगैरह पड़े थे और वोडका की एक बड़ी सी बोतल। सो गेट सेट फॉर सेलिब्रेशंस। मैम वो सोनम ने बोला था कि प्रेजेंटेशन कल सुबह तक सबमिट करनी है सो। कम ऑन, आप भूल जाओ सोनम को इस वक्त और भूल जाओ प्रेजेंटेशन को। यू आर विद मी राइट? यस। चीयर्स। शी केप्ट पोरिंग मोर एंड मोर, तो मैं पीता रहा पीता रहा पीता रहा। बॉटल खत्म हुई और उसमें मैं सेंटी हो गया। एक बात मैं आपको बताऊं, ऑफिस रोमांस बहुत डेंजरस होता है, स्पेशली बॉस के साथ। अनु सर, पर उस समय मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, हर जगह बस एना ही एना नजर आ रही थी। लेकिन अगले ही दिन मुझे समझ में आ गया कि बॉस बॉस ही होता है। तुमको पता था कि आज मीटिंग है, उसके बावजूद तुम्हारे पेपर्स रेडी नहीं है। यू लिसन टू मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। आधे घंटे के अंदर यहाँ पे प्रेजेंटेशन है, व्हाट एम आई गोइंग टू शो? एना का एक और रूप मुझे उस दिन देखने मिला, उसका गुस्सा। एक्चुअली काम मैं कर लेता पूरी रात में, बट हम जब साथ में थे कि जस्ट शट अप एंड स्टे इन योर लिमिट्स। एना तुम समझ नहीं। मैम, एना मैम, मैम, एना मैम। उसने एक चीज बोलकर मुझे मेरी जगह दिखा दी थी और मैं वहां से चला गया अपना काम करने। हेलो, अंदर आओ। फिर अचानक एना ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। मैं कम इन मैम। कम इन, जस्ट क्लोज द डोर। See, I'm really sorry. I mean, sit. Bura laga na? You have to understand ki personal life aur professional life bilkul alag hote hain. Ana ke mood swings mein samajh nahi pa raha tha. Kuch pal pehle itna gussa aur ab itna soft behavior.
ये तुम्हारे लिए। मैं नहीं ले सकता ये। क्या नहीं ले सकता? ये तुम्हें लेना है बिकॉज़ तुम बहुत स्पेशल हो। स्पेशल सा तोहफा एक स्पेशल से इंसान के लिए। So my main concern at that time was कि सोनम को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम उसकी नौकरी ना जाए। हाँ, उसकी नौकरी ना जाए और मेरी वजह से तो बिल्कुल ना जाए। So I went और मैंने देखा कि सोनम रो रही थी। So मैं उसके पास गया उसे कंसोल करने के लिए। I'm really sorry. It's okay. तुम्हारी गलती नहीं है actually. मैं सोनम का मूड बदलने की कोशिश कर रहा था। अरे वाह, न्यू फोन मॉम डैड ने दिया न्यू जॉब की खुशी में? नहीं, एना ने, एना एना मैम ने दिया। तुम्हें कुछ चीजें पता नहीं है। सी, एना जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना बोलूंगी, जस्ट बी केयरफुल। मैंने उस वक्त सोनम की बात को उतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मुझे एना के प्यार ने बिल्कुल अंधा कर दिया था। ये मेरी सबसे पहली डेट थी, वो भी एना के साथ। उसके बाद हम कई बार डेट पर गए और हमारी नजदीकियां बढ़ती चली गईं। मैं उस वक्त पीजी में रहता था, यू नो, स्ट्रगलिंग फेज। उसने मुझे अपने साथ शिफ्ट करने के लिए कहा तो मैं उसके साथ उसके घर में रहने चला गया। लेकिन प्यार में तो लोग टाइम लेते हैं। आपकी तो अभी जान पहचान हुई और आप शिफ्ट भी हो गए। सब मेरा फर्स्ट टाइम था ना, एंड फर्स्ट लव इज ब्लाइंड, सो आई थॉट अबाउट इट। मैं सोचता था कि यू नो, ये वही लड़की थी जिसके साथ शादी होगी, इसके साथ ही रहूंगा। कैसा रहा आप एक्सपीरियंस साथ में रहने का? शुरुआत कैसी रही? सर, शुरुआत तो बड़ी अच्छी थी। नाइस कॉफी। बट एक बात बताओ कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कोई और नहीं जानता था? नहीं सर, कोई और नहीं जानता था। सर, उसने मना जो किया था कि किसी से भी मेरे बारे में बाहर बात मत करना। किसी के सामने वो एक्नॉलेज नहीं करती थी? कभी नहीं सर, कभी भी नहीं। सर, मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझता था। क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उसका? अपकमिंग डायरेक्टर थी और अगर लोगों को पता चलता तो वो यही बोलते कि एक नॉर्मल से एम्प्लॉई के साथ एक डायरेक्टर का रिलेशनशिप और वो भी सेम ऑफिस में। आई थॉट इट वाज बेस्ट कि मैं चुप ही रहूं, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हर रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स का कंसेंट होना बहुत जरूरी है और अगर आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप को पब्लिक में एक्नॉलेज करने से डरता है तो इसकी कोई भी वजह हो सकती है। अग्रिम, वो बैकपैक करने के लिए कहा था, किया तुमने? हाँ, हो गया। ओके, अच्छा सुनो, आज लोनावला जा रही हूँ एक पार्टी के लिए। अच्छा, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है, कब तक आ जाओगी फिर भी? ऐसे कुछ कह नहीं सकती लेकिन लेट हो जाएगा। घर का ख्याल रखना और अपना भी। यू टू। उस दिन एना ने मुझे बताया कि वो और उसके फ्रेंड्स हर महीने लोनावला में एक गेट टुगेदर करते थे। अच्छा सुनो, वो बैक पास करना प्लीज। इस बैग को खोलोगे? Sure. इसमें कुछ है, जरा निकालो। एना मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर सरप्राइज कर देती थी। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। प्लीज। देखो, मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है जब भी तुम मुझे इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट देती हो। अग्रिम, अग्रिम, लिसन टू मी। तुम इतना सब कुछ करते हो मेरे लिए, घर का ख्याल रखते हो, मेरा ख्याल रखते हो, चीजों का ख्याल रखते हो। आई मीन, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। Anyways, मुझे बहुत लेट हो रहा है, जल्दी से इसे खोलो प्लीज।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर को टाइम, अटेंशन और प्यार नहीं दे पाते, तो हमें लगता है कि महंगे गिफ्ट देने से वो कमी हम पूरी कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये आपकी गलत फहमी है। प्यार की भरपाई या टाइम और अटेंशन की भरपाई कोई भी गिफ्ट नहीं कर सकता। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, गिफ्ट मिल रहे थे, मूव इन कर गए थे आप उसके साथ, भरोसा था एक दूसरे पे, प्रोफेशनली भी सब ठीक चल रहा था। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? सब नॉर्मल था सर, पर प्रॉब्लम उस शाम से शुरू हुई। दैट होल डे आई वॉज एट होम, मैंने कुछ नहीं किया, घर साफ किया, टीवी देखा, बोर हो गया। उसको फिर मैं फ़ोन करने लग गया कि एना हैव यू रीच्ड, पहुँच गई हो, नहीं पहुँची हो। मैं बहुत घबरा गया था क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि वो कॉल नहीं उठा रही थी, और मैं कम से कम 50 बार कॉल कर चुका था, और मैं उसे पूरा दिन पूरी रात फ़ोन करते 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 वहीं पर उसका वेट करता रहा। आपने किसी और को फ़ोन नहीं किया ये पता करने के लिए whether she is okay or not? सर उसके किसी दोस्त का नंबर ही नहीं था मेरे पास, उसने कभी दिया ही नहीं, मैं जानता ही नहीं था उसके दोस्तों को, और ऊपर से उसने ये भी कहा था कि अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल प्राइवेट रखना है। फिर सुबह अराउंड 6:30-7 o'clock एना घर वापस आई, उसने दरवाज़ा खोला, हंस रही थी सर, और ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल अच्छे मूड में है। नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट वीक देखेंगे। तुम कहाँ थी? फोन पे किसी को बोल रही थी, बड़ा मजा आया। एंड वी शुड डू दिस अगेन, जल्दी मिलती हूँ। मैं फोन रखती हूँ, तुम्हें कल करती हूँ, ओके बाबा, बाय। क्या हुआ, क्या है तुमको? क्या हुआ है मतलब, मैं तुम्हें पूरी रात फोन कर रहा था, तुम फोन ही नहीं उठा रही थी, कितना परेशान था मैं तुम्हारे लिए। बताया था ना दोनावला में पार्टी थी। अरे बताया था, बट ये तो नहीं बताया था ना कि पूरी रात। प्लीज यार, अभी बहुत थकी हुई हूँ, बहुत नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे। दो मिनट मेरी बात तो सुन लो। बिना कोई आंसर दिए वो अंदर चले गए। मैंने रोका, मैंने कहा बता यार, बताना तो पड़ेगा ही, आई एम योर बॉयफ्रेंड, मेरा हक बनता है। वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, बाद में बात करते हैं, अभी बहुत थक गई हूँ, आई रियली नीड सम रेस्ट। और तभी उसके फोन पर एक वॉइस मेल आया। इंस्टिंक्टिवली मैं गया, मैंने फोन उठा लिया। हाय एना, दिस इज प्रणव हियर, कल रात को तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा, लेट्स कैच अप सून। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छूने की? हाउ डेयर यू, तुम आज के बाद मेरा फोन नहीं छुओगे। मतलब मैं सोचने लगा यार, कौन है ये, वाज शी चीटिंग ऑन मी? अरे नहीं छुओगे, बट ये प्रणव कौन है? Are you cheating on me? तुम मुझे डाउट कर रहे हो? मैं तुम्हें डाउट नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। प्रणव तुम्हारी ही तरह एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, अपनी लिमिट्स में रहना सीखो, डोंट क्रॉस देम। इनाना देखो मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं। गेट आउट, बाहर निकलो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं। अरे बट बात तो सुनो मेरी एक बार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बिना बताए वो गायब थी, और जब वो वापस आई, अगर आपने उससे सवाल पूछ लिया कि आप कहाँ थे एज अ बॉयफ्रेंड, तो उसमें आपकी गलती क्या थी? मेरी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं जानता था कि वो कभी सॉरी नहीं बोलेगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही उसे सॉरी बोल दूं। देखो आई अंडरस्टैंड कि मैंने सब तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं बोला, बट रियली सॉरी फॉर दैट। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, एक और डाउट तुमने किया तो दिस इज ओवर, खत्म है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी पोजीशन में आने के लिए कितने सारे लोग हैं? लेकिन नहीं, आई चोज यू, तुमको चुना क्योंकि तुम मुझे पसंद हो और तुम सिर्फ मेरे हो। इतनी स्ट्रॉन्ग बात उसने मुझे पहली बार कही थी कि आई लाइक यू, तुम मेरे हो। सुनना चाहती हूँ मैं तुमसे, यू ओनली माइन। यस, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल हो गया था, और उसी वीकेंड में उसका बर्थडे था, और मैं केक लेके उसके ऑफिस गया उसे सरप्राइज देने के लिए। और जब मैं उसके कैबिन के पास पहुंचा तो देखा उसका कैबिन लॉक था। मैंने कहा चलो खटखटाता हूँ, खटखटाया, कोई आंसर नहीं आया। अंदर से आवाज आ रही थी एक आदमी और एक औरत के बात करने की। कॉन्वर्सेशन क्या हो रही थी? सर कॉन्वर्सेशन सही से सुनाई नहीं दे रही थी, बट आई न्यू कि कोई दो लोग बात कर रहे हैं अंदर। मैंने कहा चलो यार,
फोन करके एक बार ट्राई करता हूँ। तो आई कॉल्ड हर। अंदर फोन बज रहा था पर वो उठा नहीं रही थी। एना, 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 आर यू ओके? तुम अंदर हो? एना। तो फाइनली एक आदमी ने दरवाजा खोला। मैं जानता नहीं था कि कौन है ये आदमी जो मुझे इस तरह देख रहा था। एंड जब मैंने अंदर देखा तो एना वाज जस्ट फिक्सिंग हर हेयर। एना तुम ठीक तो हो ना? क्या हो रहा है ये? इट्स एना मैम। मैम लीव नाउ। मैं सोचता रहा कि यार अंदर हो क्या रहा था। आई मीन एनीवन वुड थिंक कि अंदर क्या है, दरवाजा क्यों बंद था। दैट वाज बेसिकली द मेन थिंग इन माय हेड। फाइनली एना बाहर आई, साथ में वो बंदा भी आया। एज फार एज द कास्टिंग इज कंसर्न, हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे। अग्रिम प्लीज टेक द यंग बॉयज नंबर। उसने मुझे अपना पूरा नाम वाम बताया। आशीष खंडूरिया 9916। मैंने उस टाइम ले ली डिटेल्स। मैं पूछना नहीं चाहता था पर ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। फिर मैंने आना से पूछ ही लिया कि आना तुम्हारे कैबिन का दरवाजा क्यों बंद था। तुम अपनी मर्जी से चले आते हो। Who the hell are you? अरे मैं तो सरप्राइज देने आया था, मुझे क्या मालूम कि ऐसी कोई बात होगी। सरप्राइज? तुम मुझ पर डिटेक्टिव बने फिरते हो? डिटेक्टिव क्या बात? तुम्हें मैंने काम पर रखा है, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ हर महीने। इस घर में जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो वो भी मेरी वजह से है। आज से घर हो, ऑफिस हो या कहीं भी, इट इज एना मैम। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो मैं ही माफी मांग लूं। क्यों? मतलब इतने ज्यादा डिपेंडेंट थे आप फाइनेंशियली भी उसके ऊपर? डिपेंडेंट था लेकिन इमोशनल, क्योंकि झगड़े को खत्म करने के लिए किसी एक का शांत होना बहुत जरूरी होता है। और मैं अगली सुबह एना के पास गया उसे सॉरी बोलने के लिए। सॉरी कहना है तो वैसे कह दो, ये सब करने की क्या जरूरत है? ओके सॉरी। सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया हमारे बीच। एक दिन हम लोग ऐसे ही घर पर थे, संडे था और एना ने मुझे बोला कि अच्छा सुनो, इस वीकेंड लोनावला जा रही हूँ 2 दिन के लिए। फिर से लोनावला? हाँ आई मीन पार्टी है वहाँ पर इसलिए जा रही हूँ। दिस टाइम आई सेड कि यार मैं भी चलता हूँ साथ में। लुक अग्रिम, हम पहले भी इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं, ये प्राइवेट पार्टीज होती हैं, यहाँ पे सबको इनविटेशन नहीं होता। अरे इनविटेशन नहीं होता बट तुम्हें तो है ना, और हम दोनों तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, हम तो साथ में जा ही सकते हैं। अग्रिम वहाँ बिल्कुल डिफरेंट लोग आते हैं, तुम वहाँ फिट इन नहीं करोगे। ओह राइट, फिट इन नहीं करूँगा, सब बड़े बड़े लोग आते होंगे, मैं तो स्मॉल टाउन से हूँ, गरीब हूँ, तो तुम्हें तो शर्म आ जाएगी। की नहीं है अग्रिम, कम ऑन, तुम्हारे साथ मैं हूँ तो तुम गरीब कैसे हुए? परफेक्ट, फिर तो चलते हैं साथ में, प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा कि यार नो मैटर व्हाट, अब मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ, और इतना कह के मैं चला गया। क्या जवाब दिया? सर उसने मुझे जवाब नहीं दिया लेकिन उसने एक फोन कॉल किया। पल्लो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बात किससे कर रही थी वो, आपको पता चला? I couldn't hear exactly what she was saying. लेकिन आप जाना क्यों चाहते थे लोनावला? कुछ सस्पिशन मेरे अंदर भी अराइज हुआ तो मैंने कहा चलो पार्टी में जाके देखते हैं क्या करना है। ये पार्टी है क्या? What's so special about it? जो बार बार होती है। तो हम लोग लोनावला पहुंचे, काफी बड़ा सा फार्म हाउस था। A little too much for me to take in at that point of time. You know, मैंने कभी देखी नहीं थी इतनी बड़ी चीज़ें। और तभी वहाँ एना की बेस्ट फ्रेंड आई, उसका नाम पल्लो था। He's Agrim, right? She looked me up and down, पूरा मुझे देखा ऊपर से नीचे तक, और फिर मेरे गाल पर एक पैक दे दिया। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार
की पहली बार मिल रही है और किस कर रही है मुझे। कहा तो था ना, काफी हॉट और क्यूट हो। सही कहा था एकदम। He's really hot, हाँ? तभी मैंने नोटिस किया कि आना किसी और की तरफ इशारा करते हुए गई। उसका नाम था अक्षय। आना और अक्षय हग कर रहे थे। थोड़ा ऑकवर्ड सा हग था सर, मतलब दोस्तों वाला हग नहीं था। I felt really uncomfortable. तो थोड़ा अजीब लगा आपको? जी हाँ, कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली। और जब मैंने आना से पूछा कि अक्षय को कैसे जानती हो, तो उसने मुझे कहा कि किसी टाइम वो और अक्षय एक दूसरे को डेट किया करते थे। डेट करते थे? करते थे। वो मेरा पास्ट था, तुम मेरा प्रेजेंट हो। तो मतलब वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे? जी सर। और उसने इस बात को इतना कैजुअली बोला? मेरा मतलब आपको क्या बताऊं, जब मुझे पता चला तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं रोक सकता यहाँ पे। तो एना ने मुझे कन्विंस किया कि नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है, यू नो मेरे दोस्त हैं। कम ऑन, लेट्स एंजॉय द पार्टी। हां बट किसी को ये भी तो नहीं पता है ना कि मैं तुम्हारा प्रेजेंट बॉयफ्रेंड हूं। तो चलो ना, सबको बताती हूं आज। एना की ये बात सुन के कि वो फाइनली मुझे पब्लिक में एक्नॉलेज करना चाहती थी, मैं खुश हो गया। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और तभी पल्लो ने हमारे हाथ में मास्क दे दिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है, और वो दोनों बात करते हुए पूल की तरफ चले गए। पूल के पास क्या हुआ? पूल के पास खड़े थे, सब डांस कर रहे थे। मुझे डांस वांस नहीं आता, मैं थोड़ा दूर ही था और मास्क नहीं पहना था। तभी एना ने मुझे इशारा करके मास्क पहनने के लिए कहा। और तभी मैंने देखा कि एना और अक्षय साथ डांस कर रहे थे। मुझे ये देख के बहुत खराब लगा। One long hand, please. Hi, I'm Kavya. Grip. Okay, तो तुम एना के साथ आए हो? हाँ. Nice catch. जी? कुछ नहीं, तुम एना के दोस्त हो ना? हाँ, मतलब एना का बॉयफ्रेंड। एना और बॉयफ्रेंड? Enjoy the party. मैंने कहा क्यों, एना को कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता क्या? वो बोली नहीं नहीं, बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, कुछ वियर्ड चल रहा था। हाँ, ये लोग शायद एना को पर्सनली मुझसे ज्यादा जानते थे। और फिर काव्या वहां से चले गई। और तभी मैंने देखा कि एना और अक्षय दोनों गायब थे। मैंने एना और अक्षय को बहुत ढूंढा, तभी एना पीछे से। एना तुम कहां पर थी? मुझे इस पार्टी में कितना वियर्ड लग रहा है। और वो मुझे पूल की तरफ ले गई। You know what, Anna? I love you. तो मैंने जब मास्क उतारा तो वो पल्लो थी। I mean, कपड़े एक जैसे पहने हुए थे
मास्क एक जैसे पहना हुआ था। और आपको ये बिल्कुल पता नहीं लगा कि ये एना नहीं है? जी बिल्कुल पता ही नहीं लगा, हाइट वगैरह बिल्कुल सिमिलर थी। तो एना कहाँ था? एना एना नहीं है, लेट्स हैव गुड टाइम। क्या बोला आपने पल्लू? मैंने बोला कि यार व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू, क्या करना क्या चाह रही हो तुम? मतलब तुम्हारी दोस्त का बॉयफ्रेंड हूँ मैं और तुम मुझ पे ही डोरे डाल रही हो। पल्लू मतलब एना बनकर आपके साथ क्लोज होना चाह रही जी? मैंने देखा कि एना और अक्षय एक दूसरे के गले मिल रहे थे और इस बार तो एना ने हद ही कर दी, मुझे ही बेवकूफ बना रही थी। उसने मेरे प्यार का मजाक बनाया और इस बार मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। एना Was she still in a relationship with them? Sir, I don't know what to call it. कि वो relationship था या कुछ और? बट जो भी कुछ था वो उन दोनों के ही बीच था। तुमने कहा था ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है और मैं तुम्हारा प्रेजेंट बॉयफ्रेंड, तो ये क्या हो रहा है ये सब? प्रॉब्लम है तुम जैसे छोटे शहरों के लोगों की, तुम लोगों को ऐसी हाई क्लास पार्टी समझ ही नहीं। गलती मेरी थी जो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। औकात क्या है तुम्हारी? तुम इसका मतलब मुझे बेवकूफ बना रही थी? क्या बोलूं मैं तुम्हें, ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ क्लोज होने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं मेरी शर्म आ रही है और तुम यहाँ पर इसके साथ मैं आपको डिफेंड करने के लिए ये सब कर रही हो तुम? करना पड़ा, बहुत समझाया था तुम्हें कि ये पार्टीज तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, पर तुमको यहाँ आना था। उस समय मुझे एना ने ये कहा कि देखो अभी मैं तुम्हें इस पार्टी में इसलिए नहीं लाना चाहती थी क्योंकि अक्षय और मैं हर महीने एक बार इस पूरी ट्रिप को प्लान करते हैं जहाँ हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सकें। ये सब एक प्लान था? हाँ, ये पूरा प्लान था। मुझे इसके साथ मिलकर ये खेल खेलना पड़ा ताकि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकूं और टाइम स्पेंड कर सकूं अक्षय के साथ। हाँ, हम दोनों मिलते हैं, कई बार मिले हैं और इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये मतलब वो बहुत कैजुअली बोल रही थी? बहुत कैजुअली, एकदम हंस हंस के। सुन लिया, मेरे ड्राइवर्स भी तेरे से ज्यादा समझ गए। They were laughing at me, sir. Anyways, अब जब ये यहाँ आ ही गया है, तो why not enjoy? Right, Akshay? Why not? Right, Pallo? Right, Agrim? क्या रिएक्शन था आपका? Sir, I was up and about. मैं वहाँ से निकला। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा वापस। और मैं लोनावला से निकलकर मुंबई आ गया। जाना चाहते हो तुम? जा सकते हो तुम? तुम्हें क्या लगता है? तुम ये सब करोगे तो कुछ हो जाएगा? Actually, तुम जैसे छोटे mentality वाले लोगों की औकात ही नहीं है। तुम लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। वो तो मैं तुम्हारे साथ थी, इसलिए आज तुम इस पोजीशन पर हो, वरना पड़े होते किसी कोने में स्ट्रगल करते थे। और किस सपनों की दुनिया में घूम रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मुंह उठाकर यहाँ चले आने से कोई एक्टर बन जाता है? सर, वो तो मुझे बस यही बोलती रही कि माय करियर इज ओवर। अब देखना, तुम इस इंडस्ट्री में तो क्या, इस शहर में भी काम नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एना क्या है, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। आई डिस्ट्रॉय यू। तो कर दो बर्बाद मुझे, नहीं फर्क पड़ता है मुझे तुम्हारी बातों से। दिल से प्यार किया था मैंने तुम्हें, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ने वो नजर ही नहीं है ना देखने की। अच्छा, शट अप, यू जस्ट शट अप मैन। कितना बोलती हो, कितना बॉसी हो। ये रिलेशनशिप में कोई झुका है तो वो सिर्फ मैं हूं। इस रिलेशन के लिए मैंने क्या नहीं किया? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेरे बीच में आती तो भी मैंने इस रिलेशनशिप के बीच में आने नहीं दी। नाउ इट्स ओवर। और इतना कह के मैं हमेशा के लिए अपने होम टाउन देहरादून वापस आ गया। struggling actor.
कुछ चीजें पता नहीं पता सी ऐना जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। हेलो हेलो सोनम कैसी हो? आई गेस तुम बिल्कुल सही थी ऐना के बारे में। सी अग्रिम मैंने तुमको बहुत पहले ही वॉर्न किया था, तो माने ही नहीं उस टाइम पे मेरी बात। बट मैं ऐना को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो अग्रिम। नेक्स्ट वीक उसको प्रमोशन मिल रहा है और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी प्रेजेंट हैं। अब क्या करोगे तुम? सर एक प्लान था लेकिन वो प्लान अब कॉन्क्रीट शेप लेने लगा था जब मैंने वो प्रमोशन की बात सुनी। क्या प्लान था? सर मैंने सोनम को बोला कि अपने एक्टर्स के डेटाबेस में से मुझे प्रणव और आशीष खंडूरी का नंबर दे दिया। हाय मैं प्रणव बोल रहा हूँ। आशीष खंडूरिया 9916। और जिस दिन वो प्रमोट हो रही थी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज हम ऐना को प्रमोट करने वाले हैं। So, give her a big hand. मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू किया जाए, but all I want to do is just thank all of you. आज जिस भी मुकाम पर मैं पहुंची हूँ वो आप सभी के सपोर्ट की वजह से है। और हाँ, इस ऑफिस में काम करने में सबसे अच्छी बात जो है वो है यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट। Excuse me, ma'am. मुझे भी कुछ कहना है। जैसा कि आप सब जानते हैं ऐना मैम मेरी मैम है, मेरी बॉस है। इनको थैंक यू बोलने के लिए मेरे पास वर्ड्स कम है, तो मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आशीष वगैरह से मेरी बात पहले हो चुकी थी जब मुझे सोनम ने उनका नंबर दिया था। उनकी फोटोज जो ऐना के साथ थी वो मैंने उनसे ले ली और एक प्रेजेंटेशन बनाई जिसमें मेरी, आशीष और प्रणव की फोटो ऐना के साथ थी। उनका एक पीपीटी बनाया और उसका पूरा खुलासा उनके बोर्ड मेंबर्स के सामने किया। मैम हमारे ऑफिस का हेल्दी एनवायरनमेंट दिखा रही हूँ मैं आपको। And let them watch. Anna, what is this? ये बिल्कुल सही नहीं है सर। This is the truth. सुनम तुम yes. क्या करना चाह रही हो? और जब ये पूरा खुलासा हुआ, तो मैं बाहर ही खड़ा था। फिर मैं अंदर गया। Hi everyone. I'm Agrim. Hi Anna. Oops, Anna ma'am. तो कैसे चल रही है आपकी हेल्दी एनवायरनमेंट की मीटिंग? अग्रिम, हाँ, कम, let's just talk outside. क्यों क्यों अकेले में क्यों बात कर रहे हैं? अकेले में नहीं बात करते, इधर बात करते हैं ना। जो कहना सबके सामने को होना है ना। बताओ ना कि तुम अपने पावर्स का कैसे मिसयूज करती हो। ये पूरी बात उसके बोर्ड मेंबर्स को बताई। कास्टिंग काउच का सिस्टम चलाती है, मुझ जैसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स को बुलाती है और बोलती है मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दूंगी, और पता नहीं ऐसे कितने सारे लोगों को बुलाती है और कहती है कि प्रणव आशीष। बेसिकली मुझसे पहले भी वो ये कई लोगों के साथ कर चुकी थी। अरे शट अप। सही आजकल टेक्नोलॉजी से कोई भी, मैं बेवकूफ था इसलिए मैं तुम्हारी बातों में आ गया था। ये बेवकूफ नहीं है कि ये अपनी आंखों से जो देख रहे हैं उस पे भरोसा नहीं करे। सर प्लीज ट्रस्ट मी सर, दिस इज नॉट फेयर है ना। उसकी सारी सच्चाई मैंने सबको बता दी। अभी सुनिए हमारी बॉस कैसे कैसे काम करती है। और उसके लिए सारे गिफ्ट्स मैंने वापस कर दिए। मतलब वो अपनी पावर और पोजीशन को यूज करके लोगों को एक्सप्लॉइट करती है, स्ट्रगलिंग एक्टर्स। सिर्फ न्यूकमर्स को। यू आर फायर्ड। आपने जिस तरीके से सीडी बनाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखाई, वो एक बहुत ही ब्रेव कदम था।
जनरली लोगों के साथ क्या होता है कि अगर उन्हें कोई एक्सप्लॉइट करे तो वो एक शेल में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और उससे बाहर नहीं आ पाते, अपने आप को लूजर समझने लगे। लेकिन आपने अपने आप को उस शेल में नहीं जाने दिया, आप वापस आए, आपने एना की सच्चाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखाई, कंपनी को दिखाई, जिसकी वजह से उसे वो सज़ा मिली जिसकी वो हकदार थी। सो वेल डन, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू सर, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग टू इमोशनल अत्याचार। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्यार में धोखा मिले तो किसी का भी माथा ठनक सकता है, लेकिन जोश में होश ना खोके अगर आप उसी गुस्से को अपना दोस्त, अपना जज्बा बना लें तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। ऐसे ही सही समय पर सही निर्णय लेकर अग्रिम ने अपने आप को इमोशनल अत्याचार से बचा लिया। तो आप भी सतर्क रहिए। मैं हूं प्रवेश राणा और आप देख रहे हैं एनवी 1000 प्रेजेंट्स बिंदास इमोशनल अत्याचार। देखो, सीखो और बचो।